ये यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है हुडा सिटी सेंटर, और आज मैं उसी जगह पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो अंडरपास का काम चल रहा है, जो एलिवेटेड रोड का भी काम चल रहा है, वही दिखाने वाला हूँ आपको। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। और हाँ, अतुल कटारे चौक पर जो सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम चल रहा है, उसका वीडियो नहीं देखा है जाके तो देख लो, नया अपडेट आया है, जाकर देख सकते हो। और हाँ, दिल्ली से पानीपत तक का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसका पूरा अपडेट मैंने दिया है, दिल्ली से लेकर पानीपत तक का, तो आपके स्क्रीन पे वो डिटेल है, उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो कि दिल्ली से पानीपत वो जो पूरा 71 किलोमीटर लंबा जो बन रहा है, उस पर कितना कुछ काम हुआ है, वो मैंने दिल्ली से जहाँ से स्टार्ट होता है और पानीपत में जहाँ तक ख़त्म होता है, उसका अपडेट दिया है। तो चलो आज हुडा सिटी सेंटर चलते हैं और फिर वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। तो चलो चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये जो जगह है ये है हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। याद कीजिए, अगर आप इस जगह को जानते हैं तो लॉकडाउन से पहले इस जगह पे इतना ज़्यादा रश होता था, लेकिन आज फ़िलहाल मेट्रो खुल चुका है, लेकिन इस पेंडेमिक ने कितनी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर दी हैं वो मुझे यहाँ आके एहसास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरा ऐसे फुल टू पैक रहता था। मेट्रो की सर्विस स्टार्ट हो गई है, लेकिन जैसा कि पता है मोस्टली लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं, इसलिए इस जगह पर वैसी रौनक दिख नहीं रही है जैसे पहले होती थी। थोड़े से ऑटो दिख रहे हैं यहाँ पे इस साइड में, अगर आप दिखाऊँ मैं आपको ना यहाँ पे, तो लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन आई होप कि एक दिन फिर बेहतर होगा। चलो बात करते हैं इस प्रोजेक्ट पे। काम यहाँ पे चल रहा है एक अंडरपास का, और दूसरा जो चल रहा है वो है एलिवेटेड रोड का। लेफ्ट हैंड साइड ये आने वाला है, जब आप आएँगे सिग्नेचर टावर की तरफ से, आप इस तरफ से आएँगे ऐसे, और उसके बाद ये आते हुए आप यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये टर्न करने वाला है इस जगह पे, और ये पूरा अंडरग्राउंड होने वाला है क्योंकि अंडरपास है जैसा कि मैंने आपसे कहा। और फिर यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं ताज की बिल्डिंग जो है ये वाली, जी हाँ, इसके पास ये ऊपर निकलने वाला है अंडरपास, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी आपको मैंने सिग्नेचर टावर पर एक अंडरपास दिखाया था, और आपको फिर एहसास नहीं होता है कि अब कितना जल्दी आप उस जगह को क्रॉस कर जाते हैं। जी हाँ, और वैसे ही फ्यूचर में यहाँ पे भी होने वाला है। सामने ये जो देख रहे हैं ये एलिवेटेड सेक्शन जो कि बनाया जाना है, उसका भी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, सिर्फ उसमें फाइनल फेज का काम करना है जो कि रोड बनाने का है, वो अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये आपको फिर ये ताज होटल जैसा कि मैंने आपसे कहा ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और इस जगह पर भी अभी यहाँ पर पूरे सरिये का जो पूरा जाल दिया जा रहा है, उसके बाद कंक्रीट से इसको ढालकर फिर बनाया जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। और ये अभी मिट्टी इसमें निकालना बाकी है, आगे उस जगह पर जितनी भी मिट्टी निकालनी थी वो तो निकाल दिया गया है। यहाँ पे जो एलिवेटेड रोड दिया गया है, आपके जहन में ये सवाल होगा कि क्यों दिया गया है, तो ये जो एलिवेटेड रोड यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है इस मेट्रो स्टेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको पता ही इस मेट्रो स्टेशन पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है। आगे अगर यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये एक्चुअली यहाँ पर देखोगे तो ये अंडरपास बन गया, जिसकी मदद से क्या होगा कि उस अंडरपास को वो लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना, जो गाड़ियाँ हैं, क्योंकि आपको पता है इस साइड में यहाँ पर सारे ऑटो एक तरफ से लाइन से खड़े रहते हैं। आप कोई अगर ऑटो लेके आगे की तरफ जाना है, जैसे बख्तावर चौक जाना है या फिर सुभाष चौक जाना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ऑटो लेगा और वो ऑटो अंडरपास को यूज़ करते हुए यूटर्न लेगा और फिर वो आगे की तरफ जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में भी स्लो डाउन नहीं होगा, और यही फ़ायदा मिलने वाला है इस एलिवेटेड जो ये पूरा पार्ट बनाया गया है। ज़्यादा लंबा है नहीं, ये 500 मीटर लंबा ही है ये पूरा एलिवेटेड का, जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पर ये ख़त्म होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद यही है कि इसे जो है पैसेंजर अंडरपास दिया जा सके इस जगह पे, और व्हीकल अंडरपास भी दिया जा सके, जो दोनों प्रोविज़न यहाँ पे दिए गए हैं। तो हो सकता है जब अगली बार मैं आपको अपडेट दे दूँ तो इस जगह पे आपको और हमें पूरा ऐसे ये जो गड्ढे कर रहे हैं वो दिखने वाला है, जो अंडरपास बनने वाला है उसका, कि जिस तेज़ी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है उस हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अगली बार हमें यहाँ पर पूरा ऐसे गड्ढा दिखने वाला है, और ये भी दिखने वाला है कि कैसे और क्या कुछ यहाँ पर काम चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसमें तो और टाइम लगने वाला है, अगर आप मैं आपको बताऊं तो 6 महीने और मान लो कि इसे पूरा फुल टू रेडी होने में, क्योंकि अंडरपास का जो काम है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो
बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और गुड़गांव और उसके आसपास रहते तो आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।